Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها صلوات بر محمد وعلى آله برادران عزیز قرآن حکیم کے سورہ مبارک شمس کی دو مختصر آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں اور تقریب تلاوت یہ ہے کہ چونکہ مدرسہ حسینی کی کوئی بھی کلاس ایسی نہیں ہوتی جس کا آغاز قرآن سے نہ ہو قرآن مجید ہماری بنیادی نصابی کتاب ہے لیکن اس وقت انہی آیتوں کی تلاوت کا سبب یہ ہے تقریب تلاوت یہ ہے کہ میں نے ایک دانشمند عزیز سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ گفتگو نفس کے عنوان پر ہوگی وقت بہت مختصر ہے میرے پاس کل گفتگو طویل ہو گئی تھی تو آج مختصر ہوگی اور یہ بھی نعرہ
ये भी आप लिहाज फरमाएं। और जनाब इस मजलिस में जनाब बीबी हमें पुरसा हमारा लेने आई है, तो हमारा जरा अंदाज मुख्तलिफ और मुख्तलिफ होना चाहिए। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। मुझे ये एहसास है अच्छी तरह से कि ये गुफ्तगू मदीनतुल औलिया मुल्तान में हो रही है। यहाँ जो फ़ज़ाए वलायत है वो बहुत ही दकीक और ज़रीफ़ और लतीफ़ और संगीन बहसों की मुतहम्मिल है। मुझे अक्सर मेरे शफीक दोस्त और साथी ये कहा करते हैं कि ये फ़लसफियाना बहसें और ये मंतकी इस्तदलाल ये सब कहाँ लेकर आप मिंबर पर आ जाते हैं। मगर मैं उनको ये कहकर मुतमईन करता हूँ कि फ़ज़ाए मजलिस हुसैनी में जो ज़हानतें परवान चढ़ती हैं वो ज़हानतें इन मतालिब की अच्छी तरह मुतहम्मिल होती हैं। और ये बड़ी ज़्यादती की बात है कि हम मेंबर से अहम बहसें न छेड़ें। अहम बहसें अगर इस मेंबर से न छेड़ी जाएंगी तो कहाँ छेड़ी जाएंगी। दकीक से दकीक इल्मी मतालिब आलम बशरियत तक मेंबर ही से पहुँचे हैं। और ये भी याद रहे कि हमारी फ़ज़ाए मजलिस में जो अहम तरीन अलामतें हैं वो तमाम अलामतें अपने पसे मंज़र में बड़ी अजीम इल्मी हकीक़तों की तर्जमान हैं। मेंबर ख़ुद एक अलामत है, अलम ख़ुद एक अलामत है, और ये दोनों अलामतें बहुत अहम अलामतें हैं। दोनों अलामतें बहुत अहमियत के हामिल हैं। अलम तो इसकी इससे मिलती जुलती चीज़ दूसरी तमाम कौमों में भी पाई जाती है, लेकिन मेंबर की शबीह दूसरी किसी कौम में नहीं पाई जाती। मेंबर मखसूस है उस इल्मी और रूहानी तहजीब से, जो इल्मी और रूहानी तहजीब सिर्फ़ और सिर्फ क़ुरान और ख़तीब क़ुरान के साए में परवान चढ़ी है। क़ुरान और ख़तीब क़ुरान मेंबर ईजाद है हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेंबर आपके हुक्म से बनाया गया, मेंबर आपके हुक्म से बनाया गया, और इसीलिए तमाम मस्जिदों में, उन तमाम मस्जिदों में जिनके मसूलीन शबीह साजी को बुरा समझते हैं वहाँ भी मेंबर की शबीह है। तमाम मस्जिदों में ये शबीह, असल मेंबर तो नहीं होता ना। हुजूर का मेंबर तो बस मखसूस था हुजूर से, तो ये मेंबर हुजूर के मेंबर की शबीह है। कम से कम एक शबीह ऐसी है जो हर मस्जिद में बनाई जाती है। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले।
ये मेंबर अंग्रेजी वाला मेंबर नहीं है। देखिए उर्दू में जब मैं मुल्तान नहीं आया था तो मैं एतराफ़ करता हूँ कि मुल्तान के ताल्लुक से मैंने मुतालआ भी नहीं किया था और सोचता था कि वहाँ अदबी ज़ौक कैसा होगा, वहाँ ज़ौक समाअत कैसा होगा, मेरी टूटी फूटी उर्दू जो है वो वहाँ बर्दाश्त की जाएगी या नहीं बर्दाश्त की जाएगी। तो जब यहाँ आया तो मुझे महसूस हुआ कि यहाँ का अदबी ज़ौक माशाअल्लाह बहुत बालीदा है और ये बहुत ही खुशाइंद बात है। ये इस बात की अलामत है कि दुनिया की तमाम तहजीबें जब ज़वाल आमादा होंगी तब भी आपकी तहजीब इंशाअल्लाह रूबरूज होगी। रूब ज़वाल नहीं, रूबरूज होगी। अगर अदबी ज़ौक बेदार है किसी का, ये अदबी ज़ौक बहुत क़ीमती चीज़ है, बहुत क़ीमती चीज़ है। तो बहरहाल इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि उर्दू का माहौल है, उर्दू ज़बान में दो मेंबर इस्तेमाल होते हैं, तलफ़्फ़ुज़ दोनों का एक जैसा है लेकिन इमला दोनों का मुख्तलिफ़ है। एक है मीम मीम बे रे मेंबर, ये अंग्रेज़ी से आया है, जैसे किसी कमेटी का मेंबर, जैसे असेंबली का मेंबर, पार्लियामेंट का मेंबर, यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है। एक है मीम नून बे रे मेंबर, तलफ़्फ़ुज़ उसका वही है लेकिन इमला में मीम नून बे रे है, ये अरबी से आया है। इसका रूट वर्ड है नबरा, नून बे रे नबरा, नबरा यानी उठा बुलंद हुआ, मेंबर यानी वो जो वसीले बुलंदी हो। मेंबर जो वसीला हो, जरिया हो बुलंद होने का। और दूसरे बहुत से प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जहाँ इंसान बुलंद हो जाए, ऊंचा नज़र आए, हैं पहाड़ पे भी कोई जाके ऊंचा नज़र आ सकता है, मगर बड़ी से बड़ी चीज़ पर सिर्फ इंसान का जिस्म ऊंचा होगा उसका उसकी रूह बुलंद नहीं होगी। ये जो मेंबर मुस्तफ़वी है ये सिर्फ इंसान के जिस्म को बुलंद नहीं करती, इंसान को उसके पूरे वजूद के साथ बुलंदी अता करती। इंसान का नफ्स भी बुलंद होता है, इंसान की रूह भी बुलंद होती है, इंसान का उफ़ुक निगाह बुलंद होता है, इंसान का उफ़ुक फ़िक्री बुलंद होता है। इस एतबार से इस मेंबर की क़दर कीजिएगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सीरत ये रही है कि सहराओं में भी चाहे मस्जिद बनाए या ना बनाए मेंबर बनवाते थे। मस्जिद तो हुजूर के लिए तो पूरा ये कुरए अर्ज़ जो है ना ये मस्जिद है। हुजूर ने इरशाद फरमाया जुअलत लियल अर्ज़ मस्जिदन व तुराबुहा तहूरा, जुअलत लियल अर्ज़ मस्जिदा व तुराबुहा तहूरा, मेरे लिए ये पूरी की पूरी ज़मीन मस्जिद करार दी गई है। हुजूर का इरशाद है पूरी ज़मीन मेरे लिए सजदगाह बना दी गई है, मस्जिद बना दी गई है और इसकी मिट्टी साजो सामान तहारत है, तहूर है। अगर पानी मैसर ना हो तो तयम्मुम किससे करेंगे? खाक से करेंगे, तहूर है। अहदु तहूरैन, दो तहूरों में से एक तहूर मिट्टी है।
तो पूरी पूरी पूरा कुरए अर्ज़ जो है ये मस्जिद है। तो मस्जिद बनाना हुजूर के लिए ज़रूरी नहीं था, लेकिन मिंबर हुजूर बनवाते थे। ख़ास तौर से जब बात दूर तक पहुंचानी हो, और ऐसी बात कहनी हो जो दूर तक पहुंचे और देर तक रहे, तो फिर मेंबर बनवाते थे। और अगर मेंबर बनाने के लिए कुछ नहीं होता था तो फिर पालाने शुतुर का मेंबर भी बन जाता था, कजावों का मेंबर भी बन जाता था। सहराए गदीर गवाह है, तारीख इस्लाम गवाह है, हज्जतुल वदा का सफ़र गवाह है कि हुजूर ने क्या यादगार तारीख़ी मेंबर बनाया था, जिस पर आपने अपने नफ्स का तआरुफ कराया था। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। दरूद पढ़ के सहारा देते रहें और नारे लगाने बहुत अच्छी बात है, मैं नारों का हरगिज़ हरगिज़ मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन हर सुखन मौका हर नुक्ता मकाम दारद। वक्त मेरे पास कम है, कहने के लिए बातें बहुत हैं, इसलिए कुछ कहने की इजाज़त दें। इस वक्त जो मौजू हमारे सामने है वो बहुत अहम मौजू है, और वो मौजू आपकी पूरी फिक्री तवज्जो चाहता है। वो मौजू है मारिफत नफ्स। कुरान मजीद ने सूरह मुबारक शम्स में अजीब व गरीब अंदाज से नफ्स इंसानी की अज़मत को नुमाया किया है। नफ्स नातिक़े इंसानी, एक के बाद एक कसमें खाई गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वश्शम्स वदुहाहा वल्कमर इदा तलाहा वन्नहार इदा जल्लाहा वल्लैल इदा यख्शाहा वस्समाए वमा बनाहा वल्अर्द वमा तहाहा। और उसके बाद कहा कि वन्नफ्स वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा वतक्वाहा। सूरज की कसम, उसकी बिखरी हुई रोशनी की कसम, चाँद की कसम जब वो सूरज के पीछे पीछे, जाहिर होता है, और दिन की कसम और रात की कसम और आसमान की कसम और ज़मीन की कसम, गोया पूरी कायनात की कसम खा कर कहा। ये चंद चीज़ें इस तरह से हैं जैसे जुज़ कहकर कुल मुराद ले लिया जाए। पूरी कायनात की कसम खा के, माँ से वल्लाह हर चीज़ की कसम खा के गोया अल्लाह फरमा रहा है कि देखो गौर करो, व नफ्स वमा सव्वाहा, और इस नफ्स की कसम और उसके बनाने वाले की कसम। अफाजिल मौजूद हैं, जनाब आगाए नजफ़ी तशरीफ़ फरमाएँ, जनाब आगाए काजमी तशरीफ़ फरमाएँ, और ओदबा तशरीफ़ फरमाएँ, हमारे सामने शाकिर साहब तशरीफ़ फरमाएँ, और बहुत से स्कॉलर्स तशरीफ़ फरमाएँ। ज़रूरत इस बात की नहीं है कि मैं नहवी और लुगवी बहसें ज़्यादा छेड़ूँ, कि यहाँ पर वनफ़सिं वमा सवाहा में ये माँ जो है वो मन के माना में है, ये मुफसरीन ने लिखा है, तो ये बात वाज़े है। और नफ्स की कसम और उसके बनाने वाले की कसम, यानी अपनी कसम खाई है लेकिन नफ्स के साथ साथ। जैसे ही नफ्स की कसम खाई वैसे ही अपनी कसम खाई,
وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا۔ دیکھیں کل جو میں نے تمہید قائم کی تھی عزاخانہ شاہ گردیز میں، وہ آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی کہ قرآن مجید کا اسلوب بھی فکری تربیت کرتا ہے۔ یہاں پر سورج کی قسم کھائی گئی، چاند کی قسم کھائی گئی، سورج کی روشنی کی قسم کھائی گئی، دن کی روشنی دن کی قسم کھائی گئی، رات کی قسم کھائی گئی، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، اور سب کے آخر میں نفس ناطقہ انسانی کی قسم۔ یہ خود ترتیب قائم ہو گئی کہ نفس کو سمجھنا سب سے بڑا ہنر ہے۔ نفس انسانی کی معرفت سب سے اہم ہے، اہم ترین علم علم النفس ہے۔ علم النفس بہت عظیم علم ہے، معرفت نفس بہت عظیم معرفت ہے، اشرف المعارف۔ جتنی معرفتیں ہیں سب میں اشرف اور افضل معرفت نفس ہے، اور معرفت نفس کے ساتھ فوراً اپنی قسم کھائی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم۔ جیسے یہاں پر نفس اور خالق نفس کا تذکرہ ساتھ ساتھ ہے، ویسے ہی ترجمان قرآن، ترجمان ختم نبوت، ترجمان نبوت حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کا ارشاد ہے، اور کیا ارشاد ہے؟ فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا بس اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ آپ دیکھیے آیت، دیکھیے آیت میں نفس اور خالق نفس ساتھ ساتھ ہیں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ اس فقرے میں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو سمجھ لیا اس نے اپنے رب کو سمجھ لیا، پہچان لیا۔ یہ ارشاد گرامی بہت مشہور ہے، بہت معروف ہے، مگر ہمارے دانشمند مکرم ڈاکٹر عمران صاحب نے یہ سوال کیا کہ آخر تقریب استدلال کیا ہے، کس طرح یہ ممکن ہے کہ ہم نفس کی معرفت حاصل کریں، اور پھر کس طرح یہ ممکن ہے کہ نفس کی معرفت حق کی معرفت بن جائے۔ نفس تو ہم سب کے پاس ہے، اور یہی نفس ہے جو ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، لیکن یہی نفس ہے جو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ دونوں باتیں، یہی نفس ہے، یہی نفس ہے۔ اب یہ نفس کی حقیقت علم النفس، یہ خود ایک بحر نا پیدا کنار ہے۔ لفظی اعتبار سے لفظ نفس عربی زبان میں کئی اشیاء پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں لغوی بحث نہیں کرنی ہے کہ لفظ نفس کتنے معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس وقت بات واضح ہے کہ نفس سے مراد ہے نفس ناطقہ انسانی، نفس انسانی۔ نفس انسانی کتنا عزیز و عظیم جوہر ہے، اس کا اندازہ کیجیے آپ۔ ابھی ذرا سی دیر میں تجربہ ہو جائے گا، ابھی ایک جملہ میں کہوں گا اور معن فوراً وجدانن تجربہ ہو جائے گا۔ آپ میں سے کسی کو بھی خود اپنے نفس کی گہرائی کا اندازہ ہے؟ غیر کی نہیں، اپنے نفس کی گہرائی کا اندازہ ہے؟ ابھی معلوم ہے کہ آپ کے ذہن میں تھوڑی دیر کے بعد کون سا خیال آئے گا؟
कल आपके दिल में कौन सी बात आएगी? जब आप गुफ्तगू करते हैं और इस्तेदलाल कायम करते हैं तो एक के बाद एक दलाइल आपके जहन में आते चले जाते हैं, ये कहाँ से आते हैं? अपने नफ्स की वसअत का अंदाज़ा है, अपने नफ्स की बुलंदी का अंदाज़ा है, अपने नफ्स की गहराई का अंदाज़ा है, अपने नफ्स के सिफात का अंदाज़ा है आपको, और ये अंदाज़ा है कि किस वक्त आपकी कौन सी सिफत ज़ाहिर होगी, किस वक्त आपका क्या रद्द अमल होगा। अक्सर ऐसा नहीं होता है कि आपको खुद अपने अफ़आल पर हैरत होती हो? कभी ऐसा मौका होता है कि किसी शख्स ने आपके साथ गुस्ताखी की, मौका था कि आप बहुत ज़्यादा उससे तुंद मिजाजी के साथ बरखुर्द करते, आपका रिएक्शन बहुत ही सख्त होता, मगर आपने उस वक्त कोई सख्त रिएक्शन ज़ाहिर नहीं किया, आप बहुत लुत्फ और रहमत का मामला करते रहे। और किसी वक्त ऐसा होता है कि किसी ने मजाक किया, मामूली मिजाह किया, और उसके मिजाह के नतीजे में एकदम आप मुश्ताइल हो गए और बाद में शर्मिंदा हुए कि ये क्या हो गया था, उसने तो मजाक किया था, मुझे क्या हो गया था कि मैं इतना मुश्ताइल हो गया। नफ्स आपका है मगर आपको नहीं मालूम कि कैसे रिएक्ट कर रहा है। ना आपका नफ्स है, कितने जज्बात हैं आपके अंदर, कितने एहसासात हैं आपके अंदर, कितने अफकार हैं आपके अंदर, कितने इदराकात हैं आपके अंदर, आपके नफ्स में। नफ्स इंसानी, एक फर्द इंसानी का नफ्स, कितनी आजमतें, कितनी गहराइयां आपके नफ्स में है मौजूद। यानी अगर आप गौर फरमाएं तो खुद आपका नफ्स नामोतनाही हकीकत रखता है। अगर यही दर्क कर लें कि आपका नफ्स नामोतनाही है तो आपकी अकल फौरन ये तय करेगी कि इस नामोतनाही नफ्स का खालिक कितना नामोतनाही होगा। कैसा लामुतनाही और नामुतनाही वजूद होगा वो जिसने आपका ऐसा नफ्स बनाया। और सिर्फ आप ही का नफ्स नहीं बनाया, जैसा नामुतनाही आपका नफ्स है वैसा ही दूसरे का है, वैसा ही तीसरे का है, और कोई एक नफ्स दूसरे नफ्स की गोया हूबहू शबीह या नकल या अक्स नहीं है। और हमारे हर नफ्स अपनी जगह एक कायनात है, हर नफ्स एक आलम है, आलम अकबर है। और इसके इस्तेदलाल में भी मैं हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी पेश करता हूं। हज़रत से मंसूब जहाँ आपके खुतबात और आपकी तहरीरों और आपके अक़वाल का मजमुआ नहजुल बलागा है, जो यकीनन हर मुसलमान के घर में होना चाहिए, इसलिए कि क़ुरान मजीद के बाद और अहादीस नबविया के बाद जो सबसे नफीस मजमुआ आलम इंसानियत के पास है वो नहजुल बलागा है, सबसे नफीस मजमुआ है। जिन हजरात ने इसका मुताला नहीं किया है वो कम से कम एक बार मुताला करके तो देखें कि क्या है इसमें, एक बार मुताला करके तो देखें। इंसान की शराफत व आजमत के खिलाफ है कि वो अपने लिए दरवाजे उलूम के बंद कर दे। इल्म के दरवाजे खुले रहने चाहिए, तो मुताला करके तो देखें कि नहजुल बलागा है क्या। नहजुल बलागा
मौला المؤحدين امير المؤمنين امام المتقين نفس رسول نفس الله علي ابن ابي طالب की तकरीरों का मजमुआ है, उनकी तहरीरों का मजमुआ है, उनके जुमले हैं उसमें, किसी और के जुमले नहीं हैं। यानी हैरत है, मुसलमान शेक्सपियर को पढ़ता है, गोएटे को पढ़ता है, और मुसलमान जो है कार्ल मार्क्स को पढ़ लेता है, मुसलमान एडम स्मिथ को पढ़ लेता है, मुसलमान जॉन डेवी को पढ़ लेता है, मुसलमान स्टीफन हॉकिंग को पढ़ लेता है, मुसलमान जो है डार्विन को पढ़ लेता है, मुसलमान अली इब्ने अबी तालिब को पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। पढ़ें तो सही, पढ़ें तो सही, मुसलमान पढ़ें तो सही कि अली इब्ने अबी तालिब ने क्या इरशाद फरमाया। मैं फिर अर्ज़ करूँगा, ये शाकिर साहब बैठे हुए हैं, यहाँ और हजरात हैं, अदबी तनकीद का सलीका ये है कि अगर कोई एक सत्र भी, एक तहरीर भी, एक नया खत, एक शेर, एक मिसरा मिल जाए जो मंसूब हो गई इकबाल का है या गालिब का है या मीर का है, तो बड़े बड़े मुहक्किकीन काफ़ी वक्त सर्फ करते हैं ये तय करने के लिए कि ये है या नहीं है, और मुतालआ करते हैं। उज़मा से मंसूब तहरीरें और अक़वाल का मुतालआ करना नागुज़ीर है। अगर नहीं है तो साबित कीजिए कि उनका नहीं है, और अगर है तो शुक्र कीजिए कि ये नेमत आपको नसीब है। नहजुल बलागा, और जिस तरह वो है उसी तरह एक दीवान भी मंसूब है। अब मैं कह रहा हूँ दीवान मंसूब है, नहजुल बलागा हज़रत के कलाम का मजमुआ है, जो मजमुआ मुरत्तब किया है अल्लामा शरीफ रज़ी ने, मुरत्तब है शरीफ रज़ी। दीवान गालिब के कितने एडिशन शाया हुए, एक एडिशन के मुरत्तब मौलाना इम्तियाज़ अली अर्शी हैं, एक दीवान के मुरत्तब मालिक राम हैं, एक दीवान के मुरत्तब मौलाना मुर्तज़ा हुसैन सदरुल अफाजिल हैं। मुरत्तबीन अलग अलग हैं, कलाम गालिब का है, तो मुरत्तब रज़ी हैं, कलाम अमीरुल मोमिनीन का है, उसके दाखिली शवाहिद भी हैं, खारिजी शवाहिद भी हैं। दीवान मंसूब है, दीवान के मुतालिक मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि आपके अशआर हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को शायर साबित करके इमाम का मर्तबा बुलंद नहीं हो जाएगा, लेकिन जो उसमें अशआर हैं उसमें कुछ ज़रूर हज़रत के हैं, उनमें उसमें एक क़ता है। इस क़ते में चंद अशआर हैं जो अज़मत नफ्स इंसानी और अज़मत वजूद इंसानी से मुतालिक हैं। एक शेर बहुत मशहूर है उसका, जिसमें फरमाया है इमाम ने कि अतज़अमु अन्नका जुर्मुन सगीर वफीकम तवल आलमुल अकबरु, क्या तुम अपने को आम इंसान से खिताब है, क्या तुम अपने आप को एक छोटा सा मामूली सा नादीदा हकीर जलील वईल एक मादी वजूद समझते हो, सिर्फ एक जिर्म समझते हो, बस ये समझते हो कि तुम्हारा एक छोटा सा मादी वजूद है, जबकि वफी कम पवल आलमुल अकबरू, तुम्हारे अंदर तो आलम अकबर पोशीदा कर दिया गया है। आलम अकबर, और इसके बाद जो अशआर हैं उसमें और तवज्जो दिलाइए, फरमाते हैं कि दवा ओ कफी का वला तशअरू वदाओ का मिन का वला तुबसरू, तुम्हारी जितनी बीमारियां हैं वो तुम्हारे ही अंदर से पैदा होती हैं, मगर तुम्हें बसीरत नहीं है, बसारत नहीं है, और तुम्हारी जितनी दवाएं हैं वो भी तुम्हारे अंदर मौजूद हैं मगर तुम्हें शुऊर नहीं है। बीमारियां भी हैं, दवाएं भी हैं। और उसके बाद एक शेर और है
जो याद आ गया वह अर्ज कर रहा हूँ कि वह अंतल किताबुल मुबीन अल्लज़ी वह अंतल अल्लाहु अकबर वह अंतल किताबुल मुबीन अल्लज़ी बिअहरुफ़िही यज़हरुल मुज़मरु और तुम वो किताब मुबीन हो जिसके एक एक हर्फ से वजूद सरबस्ता जाहिर होता है। अल्लाह तुम इंसान वो किताब मुबीन है। इंसान क्या है? किताब मुबीन है। ऐसी किताब मुबीन जिसके एक एक हर्फ से यवहरुल मुज़मरु छुपी हुई हकीकत जाहिर होती है, छुपी हुई हकीकत जाहिर होती है। आपका नफ्स कितना बुलंद है। अच्छा अब ये परखते हैं कि ये कौल इमाम का हो सकता है या नहीं है? तो मैं सनद के तौर पर कुरान मजीद के अलावा और किसकी तरफ रुजू कर सकता हूँ? सबसे बड़ी मीज़ान, सबसे बड़ा वसीला जिससे हम किसी इल्मी या रूहानी हकीकत को तौल सकते हैं, परख सकते हैं, जज कर सकते हैं, वो सिर्फ़ कुरान मजीद है। अहादीस का मेयार भी रिजाल नहीं कुरान है। ये ना देखिए कि हदीस किसने बयान की, ये देखिए मुताबिक कुरान है या नहीं है। मर्द मुस्लिम की वफादारी कुरान के साथ होनी चाहिए, मर्द मुस्लिम की वफादारी मुस्तफ़ा के साथ होनी चाहिए, मर्द मुस्लिम की वफादारी खुदा के साथ होनी चाहिए, है ना? अगर कोई बात मुताबिक कुरान है तो सच है, और अगर कोई बात मुताबिक कुरान नहीं है तो चाहे जिसने भी कही हो वो झूठ रहेगी, झूठ रहेगी, झूठ, और झूठ बोलने वाला झूठा कहलाएगा, सच्चा नहीं। अगर कोई बात कुरान के खिलाफ है तो वो मुस्तफ़ा नहीं कह सकते। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। कोई ऐसी बात नहीं कह सकते जो मुताबिक कुरान ना हो, कोई ऐसी बात नहीं फरमा सकते जो मुखालिफ कुरान हो, चाहे वो हकीकत इल्मी हो, चाहे वो हुक्म शरई हो, चाहे वो इबादात की बात हो, चाहे मुआमलात की बात हो, चाहे माजी की बात हो या मुस्तकबिल की बात हो, गौर फरमा रहे हैं आप, चाहे वो निकाह व तलाक की बात हो या मीरास की बात हो, कोई बात हुजूर ऐसी नहीं कह सकते जो कुरान के ख़िलाफ़ हो। कुरान को मेयार बनाइएगा, किसी और चीज़ को मेयार ना बनाइए। तो अब मौलाए कायनात ने फरमाया है कि अतज़अमु अन्नक जिर्मुन सगीर वफीकन तवल आलमुल अकबरु, क्या तुम अपने आप को एक छोटा सा जिर्म समझते हो? छोटा सा जिर्म, एक मादी वजूद, जबकि तुम्हारे अंदर आलम अकबर पोशीदा है, एक बड़ी दुनिया तुम्हारे अंदर पोशीदा है। देखिए ये आलम की ताबीर और तारीफ कुरान में कहीं आई है इंसान के लिए या नहीं? कुरान में आई है या नहीं आई है? आई है। कुरान मजीद की पहली ही आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये आलमीन का तर्जुमा आज हम लोग करते हैं कि तमाम कायनातों का रब, तमाम जहानों का रब, तमाम दुनियाओं का रब, ये आज तर्जुमा बिल्कुल दुरुस्त है, मगर आप गौर फरमाइएगा कि जब कुरान मजीद नाजिल हुआ था उस वक्त अरब में, अरबों का इल्म जुग्राफिया और इल्म कायनात कितना वसी था, उस वक्त उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि अमेरिका कोई जगह होती है, उस वक्त उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि जापान भी कोई जगह है, उस वक्त उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि ऑस्ट्रेलिया भी कोई जगह है। उन्हें अरबों को ज्यादा से ज्यादा हिंद, सिंध और चीन, इसके अलावा अफ्रीका, हिंद चीन, हिंद सिंध चीन और अफ्रीका, इससे ज्यादा अरबों का जोग्राफिया
नहीं था, महदूद था। उस वक्त ये आयत सब की समझ में आई थी या नहीं आई थी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और इसका तर्जुमा क्या किया था? मुफस्सरीन से पूछिए, हज़रत इब्ने अब्बास क्या फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद क्या फरमाते हैं? ये फरमाते हैं कि यहाँ आलमीन से मुराद तमाम इंसान हैं, यानी तमाम तारीफ़ें हैं उस पालने, उस माबूद बरहक के लिए जो तमाम इंसानों का पालने वाला है। आलमीन का तर्जमा हुआ तमाम इंसानों, यानी हर इंसान एक आलम है। हर इंसान एक आलम है, और वो भी आलम ऐसा है कि नाम होता नहीं, नाम होता नहीं, लाम होता नहीं, कोई हद यकिफ नहीं है। जो मतालिब मेरे पेश नज़र हैं इल्म नफ्स के बारे में, उनका पेश करना ज़रा दुश्वार महसूस तो हो रहा है, मगर मैं पेश करना चाहता हूँ ताकि बात कहीं किसी मंजिल तक पहुँचे। आप देखिए, ये नफ्स है इंसानी, आपका नफ्स, इसमें सबसे पहली बात जो समझने की है कि नफ्स मिजाज के अलावा कोई शय है। आपका मिजाज अलग है, नफ्स अलग है। मिजाज तबीई हकीकत है, नफ्स मा फौक तबीई हकीकत है। मिजाज का ताल्लुक अखलात जिस्म और अनासर जिस्म और तरकीब जिस्मानी से, ये जिस्म की तरकीब जो है ये मिजाज का इससे ताल्लुक़ है। मिजाज तबीई एक हकीकत है, लेकिन नफ्स मा फौक तबीई हकीकत है। नफ्स मुजर्रद हकीकत है, जिस्म मादी है, नफ्स एब्स्ट्रैक्ट है, मुजर्रद है। मुजर्रद में भी एक है रुतबा तजर्रुद बरज़खी का, एक है रुतबा तजर्रुद अक्ली का, और एक है मर्तबा मा फौक तजर्रुद का। नफ्स इंसानी तजर्रुद बरज़खी भी रखता है, नफ्स इंसानी तजर्रुद अक्ली भी रखता है, नफ्स इंसानी कमालात मा फौक तजर्रुद भी रखता है। नफ्स इंसानी की बात हो रही है, अभी नफ्स मुस्तफ़ा की बात नहीं हो रही है। जब तक आपको अपने नफ्स की बुलंदी का शऊर नहीं होगा, उस वक्त तक आप उनके नफ्स की बुलंदी का इदराक कैसे कर सकते हैं? आपका नफ्स कितना बल, आपका नफ्स अजीज, एक इंसान का, एक बशर का, एक इंसान का नफ्स और उसकी रूह कितनी बुलंद। हकीकत अगर समझ में आ जाए हमारी माओं को, हमारी बहनों को, तो उनके आगोश में जो बच्चे तरबियत पाएंगे, फिर वो क्या क्या बच्चे होंगे। फिर अगर हमारे बुज़ुर्गों को ये इल्म हो जाए कि नफ्स इंसानी की हकीकत क्या है, तो फिर वो अपनी और अपनी नस्ल की जो तरबियत करेंगे, क्या अजीम तरबियत होगी और क्या अजीम नतायज उसके सामने आएंगे। आपसे ज़्यादा कोई सरफराज इस दुनिया में नहीं हो सकता अगर आपको नफ्स इंसानी की हकीकत का इल्म हो जाए। कितने इम्कानात हैं आपके अंदर, कितने इम्कानात। हकीकत यह है कि हम में से कोई भी नफ्स इंसानी की तरबियत का हक अदा नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, अदा कर सकता है, अदा कर सकता है, अदा कर नहीं रहा है। अदा कर कैसे सकता है? उनके अहकाम की पाबंदी करके जो नफ्स इंसानी की हकीकत से आशना हो। महदूद नामहदूद की मारिफत नहीं रख सकता, लेकिन जो नामहदूद है वो महदूद की मारिफत रख सकता है।
कुल जुज्व को समझ सकता है, जुज्व कुल को नहीं समझ सकता, छोटा बड़े को नहीं समझ सकता, बड़े छोटे को समझ सकता। तो इसलिए नफ्स इंसानी की तरबियत, अपनी नस्ल की तरबियत, अपने औलाद की तरबियत उस वक्त मुमकिन है कि जब हम हज़रात मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिम अस्सलातु वस्सलाम के इरशाद और फरामीन और तालीमात और अहकाम और उनके तर्ज ज़िंदगी और तहजीब ज़िंदगी से इस्तेफादा करें, वरना मुमकिन नहीं है। और इसीलिए अकबर ने ये लुत्फ़ फरमाया, ये करम फरमाया कि इन नूरी बंदों को खाक के पैकरों में यहाँ भेज दिया। ये एहसान है इनका, ये एहसान है, इनके नूरी होने में शक नहीं है, ये इनकी खाकसारी है कि ज़मीन पर आ गए। ये इनकी खाकसारी है कि ज़मीन पर आ गए नूरी, और सिर्फ इसलिए ये कुर्बानी दी है ताकि ये खाक का पुतला नूरी बन सके। उन नूरी बंदों ने खाकसाराना जहूर इसलिए इख्तियार किया ताकि ये हकीकत में जो खाक के पुतले हैं इनमें नूरानियत पैदा हो सके। मगर वाए बरअक़्ले बशर कि ये उनको अपना ही जैसा बनाने पर तुले हुए हैं। वो आए थे कि आपको अपना जैसा बनाएं, आपका ज़ौक है कि उनको अपना जैसा बना रहे। ये मकाम इबरत है, ये मकाम इबरत है। वो क्या होंगे ये तो आप तब सोचना शुरू कीजिएगा जब ये सोच लीजिए कि आप क्या हैं। आप अपने नफ्स से इम्कानात पे तो गौर कीजिए, छोटा सा वजूद आपका लेकिन एक आलम अकबर पोशीदा है इसमें। वो भी कैसा आलम, कैसा आलम, नफ्स के मुतालिक जो मबाहिस हैं। देखिए पहली बहस तो ये है कि नफ्स मुजर्रद हकीकत है, एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी है, इसमें मैटर की प्रॉपर्टीज़ नहीं है। मादा टूटता है, फूटता है, जुड़ता है, मादे में वज़न होता है, मादे में हजम होता है, मादे में रंग होता है, मादे में मज़ा होता है, रूह में नफ्स में ये टूटना फूटना जुड़ना नहीं है। नफ्स माफोक मादा है और माफोक तजर्रुद मंजिल और भी है, एक है तजर्रुद एक है माफोक तजर्रुद। लेकिन ये नफ्स पैदा होता है आपका अल्लाह सुबहाना हुआ ताला की कुदरत देखिए, ये नफ्स ये रूह पैदा होती है, रूह पैदा होती है, नफ्स पैदा होता है आपके इसी मादी वजूद से। इसलिए एक फार्मूला याद रखिएगा, वो फार्मूला ये है कि अन्नफ्सो जिस्मानियतुल हुदूथ रूहानियतुल बका। जिस्म का हुदूथ, रूह का हुदूथ जिस्मानी है, रूह की बका रूहानी है। नफ्स नातिक इंसानी, नफ्स हादिस है, कदीम नहीं है, हादिस है। नफ्स पैदा होता है मादी जिस्म में मगर बाकी रहने के लिए मादी जिस्म का मोहताज नहीं है। ये उसूल अच्छी तरह जहन नशीन कर लीजिए और इसको समझने के लिए एक इल्मी मुकदमा अर्ज कर दूं। परवरदिगार आलम ने
इस कायनात को इस तरह खल्क फरमाया है कि ये ज़मान व मकान के तारों पूत से ऐसी एक हकीकत बनाई है कि यहाँ आराज को जवाहिर में बदला जाता है। अरज, अरज समझते हैं किसे कहते हैं? अरज यह है कि जैसे यह दीवार है, दीवार तो जौहर है, दीवार पर रंग हो या ना हो दीवार कायम रहेगी, लेकिन जो दीवार पर रंग है वो बगैर दीवार के कायम नहीं रह सकता। ये रंग अरज कहलाता है, दीवार जौहर कहलाती है। अरज हमेशा किसी जौहर के सहारे से कायम होता है। अरज किसी जौहर के सहारे से कायम होता है। जौहर को कायम होने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, जौहर कायम बिज़ात होता है। जौहर कायम बिज़ात है, अरज कायम बिल जौहर है, मोहताज जौहर है। जैसे रंग मोहताज है दीवार का, दीवार रंग की मोहताज नहीं है। जमान और मकान दोनों ऐसी हकीकतें हैं, जमान लम्हा लम्हा बिखरता रहता है, मकान जर्रा जर्रा टूटता रहता है, दोनों को सबात नहीं है, न टाइम को न स्पेस को। गुफ्तगू बहुत बुलंद उफ़ुक तक आ गई है, न टाइम न स्पेस, किसी को सबात नहीं है। बकौल अल्लामा इकबाल, सबात एक तगैयर को है ज़माने में, मुसलसल चेंज है, मुसलसल तगैयर है, एक एक लम्हा ज़मान बिखरता जा रहा है। मैंने तकरीर की, अभी जो कलिमा कहा था वो नाबूद हो चुका, जो आइंदा कलिमा कहूँगा वो अभी मौजूद नहीं हुआ। अभी जो मैंने कहा नाबूद हो गया, जो कहूँगा वो नाबूद है, वो मौजूद नहीं है। ज़र्फ़े ज़मान में जो कुछ है उसकी हकीकत यही है, जिस वक्त वक्त मुकम्मल हो जाएगा तकरीर ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह वक्त के लम्हात वापस नहीं आ सकते, उस तरह तकरीर वापस नहीं आ सकती, क्योंकि वो ज़र्फ़ वक्त में है, ज़र्फ़ ज़मां में है। भाई जैसा ज़र्फ़ होता है वैसा ही मज़रूफ़ होता है, और जैसा मज़रूफ़ होता है वैसा ही ज़र्फ़ होता है। ये फार्मूला कभी नहीं टूटता, कहीं नहीं टूटता। जैसा ज़र्फ़ होता है वैसा मज़रूफ़, पाकीज़ा ज़र्फ़ होगा तो पाकीज़ा मज़रूफ़, नापाक ज़र्फ़ होगा तो नापाक मज़रूफ़ होगा। अपने अपने नफ्स को और अपने जहन को और अपने ख्याल को इसी बुनियाद पर परखिए, किसी वाइज की ज़रूरत नहीं है, किसी सूफी की ज़रूरत नहीं है, किसी फ़कीह की ज़रूरत नहीं है, किसी मुज्तहिद की ज़रूरत नहीं है, किसी मुअल्लिम अख़लाक़ की ज़रूरत नहीं है। देखिए दिल में पाक ख्यालात आते हैं या नापाक। ख्यालात आते हैं तो शुक्र का सजदा कीजिए, परवरदिगार मेरा नफ्स पाक है। अगर नापाक ख्यालात आते हैं, अवहाम और वसवसे आते हैं, तौबा कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, इस्तआदा कीजिए, पनाह लीजिए खुदा की। परवरदिगार इस नफ्स नापाक से पनाह मांगता हूं तेरी पाकीज़ा बारगाह में। और आपको यह भी अर्ज कर दूं, पाको नापाक का मेयार समझा दूं, अगर दिल में मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत आए समझिए नफ्स पाक है, अगर यजीद से हमदर्दी महसूस हो समझ लीजिए नफ्स नापाक है। Yeah।
معیار ہے یہ, معیار ہے, معیار یہی ہے. اب آپ زیادہ دوسروں کا غم نہ کیا کیجیے. ہر شخص کو علیکم بانفسکم, تم پر تمہارے نفس کی ذمہ داری ہے, مجھ پر میرے نفس کی ذمہ داری ہے. دوسرے کے ہم و غم میں نہ مبتلا ہوئیے. فلاں صاحب یزید کے بارے میں یہ کہتے ہیں, فلاں صاحب یہ کہتے ہیں. جو یزید کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میرا نفس کتنا گندیدہ ہے. وہ اپنے معافی ضمیر کو بیان کر رہے ہیں, میں کیا ہوں, میں کیا ہوں, اور کچھ نہیں. بہرحال گفتگو نفس کی ہو رہی ہے, نفس انسانی, نفس انسانی. یہ نفس انسانی جو ہے, بات یہاں تک پہنچ گئی کہ نفس انسانی ایک ایسی حقیقت ہے جو اسی جسم سے پیدا ہوتا ہے, لیکن باقی رہنے کے لیے جسم کا محتاج نہیں ہے. اور اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک اور مقدمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا علمی, اور وہ مقدمہ یہ کہ عرض اور جوہر کی بات اگر سامنے رکھیں. عرض قائم ہونے کے لیے جوہر کا محتاج ہے, لیکن جوہر عرض کا محتاج نہیں. جو کچھ بھی زمان و مکان میں ہے, جو بھی افعال ہم انجام دے رہے ہیں, نماز, روزہ, حج, جہاد, اعتکاف, سب اعراض ہیں. اعراض تقریر, مجلس, ماتم, نوحہ خوانی, سوز خوانی, اعراض, سب زمانی اور مکانی حقیقتیں. زمان و مکان میں نہ زمان کو ثبات ہے نہ ہمارے عمل کو ثبات ہے. جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں ہمارا ہر فعل اعراض ہے, صرف اعراض. لیکن یہ نظام الہی ہے, یہ لطف الہی ہے, یہ حکمت صمدی ہے. یہ ترکیب جو ہے بلا وجہ نہیں استعمال کی, یہ حکمت صمدی ہے کہ اس نے یہ نظام کائنات ایسا بنایا ہے کہ یہاں اعراض کے اندر سے جوہر کشید کر لیتا ہے. اعراض سے جوہر کشید کرتا ہے. یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں, ہماری نماز کی کوئی حقیقت نہیں, کوئی حقیقت نہیں ہے ہماری نماز کی, مگر نماز کے مکمل ہونے کے بعد وہ فعل تو آنی و فانی و زمانی تھا, ختم ہو گیا, مگر اس فعل کے نتیجے میں ایک ایسا جوہر خلق فرماتا ہے. وہ جو باقی رہتا ہے, فعل ختم ہو گیا, عرض ختم ہو گیا, جوہر باقی ہے. توجہ ہے, تقریر میں کر رہا ہوں, تقریر ختم ہو جائے گی لیکن تقریر کے نتیجے میں کچھ ہے جو باقی رہ جائے گا, خود میرے نفس میں, آپ کے نفس میں, سامعین کے نفس میں کچھ ہے جو باقی رہ جائے گا. تقریر باقی نہیں رہے گی لیکن تقریر سے کچھ ہے جو باقی رہ جائے گا. یہ تو ایک وجدانی حقیقت ہے نا, یہ جو باقی رہ جائے گا یہ میں نے بنایا بھی نہیں, جو باقی رہ گیا, جو میں نے بنایا تھا وہ فنا ہو گیا. اب جو باقی رہا وہ تو لطف کبریا ہے. بھائی میں ایک گھنٹہ تقریر کروں گا, دو گھنٹہ کر لوں گا, تقریر بالآخر ختم ہو جائے گی. مجھ میں یہ قدرت نہیں ہے کہ تقریر کو ابدیت عطا کر سکوں. لیکن یہ نظام ایک قدرت ہے,
ये उसकी रहमत और लुत्फ है, ये उसकी राफत है, ये उसका लुत्फ और करम है कि हमारे इस आरजी अमल से एक बाकी जौहर खल्क फरमा देता है। बस एक चीज है, ये जो अमल है और इसके नतीजे में जो जौहर खल्क हो रहा है, ये महफूज कहां हो रहा है? ये कहां महफूज हो रहा है? ये एक कैफियत पैदा होती है जो खुद मेरे नफ्स में महफूज रह जाएगी। आप सुन रहे हैं, आपके नफ्स में महफूज रह जाएगी। कहां महफूज रहेगी? कान में, नफ्स में। मैं जो तकरीर कर रहा हूं, ये कहां महफूज रहेगी? जबान में नहीं, नफ्स में। जबान मादी है, नफ्स गैर मादी है। ये कान मादी हैं लेकिन नफ्स गैर मादी है। तो नमाज जब हम पढ़ते हैं, नमाज खत्म हो जाती है लेकिन नमाज के नतीजे में एक जौहर पैदा होता है, वो कहां महफूज रहता है? नफ्स में। अब एक बात याद रखिए, कौल जब तक कौल है महफूज नहीं रहता, जब लिख दिया जाता है तो महफूज रहता है। ठीक है ना? कोई भी कौल या फेल जब तक कौल और फेल की हद तक है महफूज नहीं रहता हरगेज। ये कौल और फेल लिख दिया जाए महफूज हो जाता है। तवज्जो है? हम जो कौल और फेल अंजाम दे रहे हैं ये आरजी है, इससे जो जौहर वजूद में आकर महफूज हो रहा है वो गोया कलम कुदरत है जो लिख रही है, लिख रहा है। वो कलम है जो लिख रहा है, वो किल के मशीयत है जिससे लिखा जा रहा है। यानी महफूज करना गोया लिखना है, लिखना गोया महफूज करना है। महफूज कहां हो रहा है? खुद हमारे नफ्स में। यानी खुद हमारा नफ्स हमारा सहीफ़े आमाल है। हमारा नफ्स हमारा सहीफ़े आमाल है। एक बार कोई बात कही उसका हल्का सा असर नफ्स पर रह जाता है, वही बात दोबारा कही वही असर और गहरा हो गया, फिर कही वो और गहरा हो गया। जब कोई कौल या फेल बराबर सादिर हो तो उसका इतना गहरा असर नफ्स में कायम हो जाता है जिसे मलेका कहते हैं। मलेका, उर्दू वाले मलेका कहते हैं, चूंकि बहरहाल वो किसी का मिसरा ही है, हाय बेचारे के आसाब पर। लेकिन मलेका, ये मलेका क्या है? नफ्स के मलकात। कैसे बनते हैं, कैसे पैदा होते हैं मलकात? बार 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 जो आप करेंगे वो नफ्स का मलका बनता चला जाएगा। जिस चीज को अहले दानिश मलका कहते हैं उसे अहले बीनिश मलक कहते हैं। बात अभी समझ में नहीं आएगी आप। अहले दानिश कहते हैं मलका तखलीक हुआ, अहले बीनिश कहते हैं मलक तखलीक हुआ। रिवायतें उठाकर देखिए, जब तुम वजू करते हो तो तुम्हारे वजू के दरमियान जो पानी गिरता है एक एक कतरा वजू का, हर कतरे से खुदा मलक तखलीक करता है। क्या शरफ बख्शा गया है इंसान को जिसके अफ़ाल के नतीजे में मलक तखलीक हो। अभी आपके नफ्स की बात हो रही है, अपने अपने इस जौहर नफ्स की कदर शनासी पैदा कीजिए।
इसीलिए मालूम है अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक जुमला है, और अब ये जुमला मैं नहजुल बलागा से कोट नहीं कर रहा हूँ, अरबी ज़बान के एक बहुत बड़े अदीब, बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े नक्काद, बहुत बड़े मुफक्किर, जीनियस अरबी ज़बान व अदब और तहजीब और कल्चर का, जिसका नाम है जाहिज़। जाहिज़ की किताब अल हैवान बहुत मशहूर व मारूफ है, जाहिज़ की किताब अल बयान व तबीन बहुत मशहूर व मारूफ है। अल बयान व तबीन में ये फ़न खिताबत पर अरबी ज़बान में सबसे पहली और सबसे जामे किताब लिखी गई, लेकिन सिर्फ फ़न खिताबत नहीं, उसमें और बहुत कुछ है, एक इंसाइक्लोपीडिया है, एक कामूस है, ख़ुद उसकी शख्सियत कामूसी थी। जाहिज़ ने अपनी इस किताब में लिखा है, ज़खीम किताब है, तीन अज्ज़ा पर मुश्तमिल किताब है, उसमें एक जगह एक छोटा सा जुमला हज़रत अली अलैहिस्सलाम का लिखा है, और उसके बाद लिखा है नकल करने के बाद कि मेरी इस किताब में अगर इस एक जुमले के अलावा कुछ भी ना होता तब भी इस किताब की अजामत के लिए काफ़ी था। ये जाहिज़ ने लिखा है, जाहिज़ ने, सैयद रज़ी ने नहीं, सैयद मुर्तज़ा ने नहीं, मुफीद व सदूक़ व कुलैनी ने नहीं, ये जाहिज़ ने लिखा है। वो जुमला है, उसके बाद एक जुमला और है, दो जुमले नकल किए हैं उसने, दोनों में आपके सामने नकल किया। एक जुमला ये है, जाहिज़ ने लिखा कि हलकम रुउन लम यारिफ कदरा, हर वो इंसान हलाक हो, वो इंसान हलाक हुआ जिसने खुद अपनी कदर न जानी। जिस इंसान ने, जिस फर्द ने, जिस शख्स ने अपनी कदर न पहचानी, अपनी कीमत न जानी, वो हलाक हुआ। ये जुमला किसका है? मौलाए कायनात का है, मौलाए इंसान का है। अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का है। हलका मरुन लम यारिफ कदरा, वो इंसान हलाक हो गया जिसने अपनी कदर अपनी कीमत न जानी। तो आप पहले अपनी कदर और कीमत जानिए। अभी मैंने क्या कहा, अहादीस पढ़िए। जब इंसान वज़ू करता है तो उसके वज़ू के जितने कतरे गिरते हैं हर कतरे से मलाइक पैदा होते हैं। आपके अफ़आल से जो मलाइक पैदा होंगे, पैदा कौन कर रहा है? खुदा। आपका फ़ेल अरज़ है, मलाइका जौहर हैं, जौहर, मलाइका जौहर हैं, आराज से जौहर खल्क फरमा रहा है खुदा, खुदा आराज से जौहर खल्क फरमा रहा है, गौर फरमा रहे हैं आप। और फिर आपके नफ्स के अंदर जो मलकात पैदा हो रहे हैं, उन मलकात की कदर व कीमत कैसे मुअय्यन की जा सकती है? बस अब आपसे एक जुमला अर्ज करूं ताकि किसी हद तक ज़ौक़े मजलिस ही भी आसूदा हो जाए। हम अरे ये जुमला कराची में भी अर्ज किया था, मगर इस तफसील से नहीं, चूंकि बहस ये नहीं थी। हमारे अमाल के नतीजे में मलाइक खल्क हो रहे हैं, और मैंने एक जुमला कहा था कि ऐ इंसान, अपने शरफ को, अपनी आज़मत को, अपने करामत को, अपने अशरफुल मखलूकात होने की हैसियत को अगर जानना है तो इस तरह जानना चाहिए कि मलाइक भी आपकी खिदमत गुजारी के लिए पैदा किए गए। फरिश्ते मजदूरी करते हैं इंसान के लिए, हदीस है तमाम मुसलमानों के यहाँ कि जब इंसान कहता है सुबहानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, तो फरिश्ते जन्नत में उसके लिए मकान तामीर करना शुरू कर देते हैं। यानी गोया आपको क्या एहसास हासिल है, क्या आज़मत हासिल है, आप अपनी जगह मुसल्ले पर बैठकर, मसनत पर बैठकर आराम से, सुकून से, वक़ार से, जैसे एक शहनशाह
تخت پر بیٹھا ہو اپنے عرش پر بیٹھا ہو اپنی کرسی پر بیٹھا ہو اور لب کشائی کرے اور اس کے لیے اس کے مزدور تعمیر کرنا شروع کر دیں. آپ مصلی پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں سبحان اللہ, وہاں جلدی سے فرشتوں نے ایک اینٹ رکھ دی. آپ نے کہا الحمدللہ, فرشتوں نے دوسری اینٹ رکھ دی. آپ نے کہا لا الہ الا اللہ, فرشتوں نے تیسری اینٹ رکھ دی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, وہ آپ کے لیے مزدوری کر رہے ہیں. اس حدیث پر کسی کو تعجب نہیں ہوتا. اور جب ہم کہتے ہیں کہ فرشتے آ کے خانہ زہرا میں حسنین کے لیے جھولا جھولاتے تھے, زہرا کے لیے چکی پیستے تھے, تو کہتے ہیں یہ غلو ہے. کہتے ہیں صاحب یہ تو ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں کہ غلو ہے, الوہیت کی شان پیدا کر دیتے ہیں. اپنی قدر شناسی آپ کو نہیں آتی, آپ ان کی مرتبہ شناسی کیسے پیدا کر رہے ہیں؟ فوائل کو سمجھنے کے لیے بھی اور موعظہ و اخلاق کی تربیت کے لیے بھی میرا خیال ہے یہ گفتگو اگر یاد رہ گئی آپ کو تو بے نتیجہ و بے ثمر نہیں ہوگی. وقت گزر چکا, بحثیں ابھی بہت اہم باقی ہیں, اس لیے کل تک کے لیے ملتوی ہے. آپ دیکھیں نفس انسانی کی بحث بہت اہم بحث ہے. آپ کا نفس خود اس میں جو ملکات پیدا ہوتے ہیں, وہ ملکات اگر اچھے ملکات ہیں تو ملائک بنتے ہیں, اگر برے ملکات ہیں تو شیاطین بنتے ہیں. آپ کا نفس, ہمارا نفس, نفس انسانی, نفس بشری اگر اچھے ملکات ہیں تو ملائکہ بنتے ہیں, برے ملکات ہیں شیاطین بنتے ہیں. میں اس فقرے کے استدلال کے لیے قرآن مجید کی آیتیں پیش کروں گا, آپ خود جا کے جستجو کیجئے, مطالعہ کیجئے, تلاوت کیجئے, لیکن آج دامن وقت میں گنجائش نہیں. بس آج آپ کو اس منزل تک لاتا ہوں کہ یہ مباحث نفس دنیا کی کسی یونیورسٹی میں یہ مباحث نفس نہیں پڑھائے جا رہے ہیں. آج جو سائیکالوجی پڑھائی جاتی ہے, یہ سائیکالوجی انسان کے بیمار نفس کی بیماریوں سے متعلق بحث کرتی ہے. انسان کے صحت مند نفس کے اقدار اور ملکات سے بحث نہیں کرتی, نفس انسانی کے امکانات, نفس انسانی کے اوصاف, نفس انسانی کا تجرد, اس کی بحثیں نہیں ہیں سائیکالوجی میں. سائیکالوجی میں بس یہ ہے کہ انسان کی نفسیاتی بیماریوں کے گرد گھومتی رہتی ہے پوری سائیکالوجی. کسی یونیورسٹی میں یہ بحث نہیں ہو رہی ہے. یہ علم صرف اور صرف محدود ہے یا حوزہ علمیہ میں, ان حوزہ علمیہ میں کہ جو علوم محمد و آل محمد سے وابستہ ہیں. ہمارے علماء نے, ہمارے فلاسفہ نے, ملا صدرہ نے, میر باقر داماد نے, ملا حدیث سبزواری نے, علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان نے, انہوں نے علم النفس پر کام کیا ہے. اس علم النفس پر مجالس میں تذکرہ چھیڑ دیا ہے میں نے, لیکن مستقل سیمینار منعقد کرنے کی ضرورت ہے. ایک گھنٹے دو گھنٹے کا سیمینار نہیں, مستقل دو دن تین دن ایک ہفتہ بحث ہو علم النفس پر. اسلام نے جو علم النفس پیش کیا, قرآن نے جو علم النفس پیش کیا, محمد اور آل محمد نے جو علم النفس پیش کیا,
जिस इल्म नफ्स की रोशनी में हम अपनी नस्ल को, अपने बच्चों को परवान चढ़ा सकते हैं, हम अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं। यह इल्म नफ्स, यह इल्म नफ्स वहाँ से आया जिनका नफ्स इतना बुलंद था कि खुदा ने उनको अपना नफ्स कहा। ठहर, खुदा ने उनको अपना नफ्स कहा है। आप कहेंगे कि ये कहाँ से कह दिया खुदा ने अपना नफ्स कहा, जाके कुरान पढ़िए है। आखिर कुरान मजीद में वो आयत भी तो मौजूद है। एक तो यही आयत का मिजाज और आहंग देखिए, वह नफ्सें वमा सवा, कसम है नफ्स की और उसके बनाने वाले की, यानी खुद खुदा ने जैसे कोई नफ्स बना कर नाज फरमाया। कोई शायर जो है ज़िंदगी भर में कोई बहुत अच्छा कलाम कहे तो वो नाज करता है कि भाई देखिए और सब ये ज़रूर सुन लीजिए। कोई आर्टिस्ट कोई बहुत अच्छी पेंटिंग तैयार करे तो कहता है भाई मैंने ज़िंदगी भर बहुत कुछ बनाया होगा मगर ये पीस ऐसा है, ये आप देखिए। इसी तरह जैसे क्या आप समझते हैं कि हम जैसे जलील बंदों की कसम खाई है खुदा ने, ये आहंग बताता है। नफ्स वमा सवाहा, कोई ऐसा नफ्स नफीस है, कोई ऐसा दुर्र यतीम है जिसे बना के खुदा नाज फरमा रहा है, नाज फरमा रहा। नफ्स वमा सवाहा, जाहिर से बातिन तक का सफ़र कीजिए, तफसीर से तावील तक का सफ़र कीजिए, कुरान मजीद को समझिए और उसकी गहराइयों को समझिए। देखिए अगर यहाँ पर आपका नफ्स कानिय ना हो तो चलिए सूरह फतह पढ़िए। सूरह फतह में एक मकाम है कि इन्नल लदीन युबायउनक इन्नमा युबायउन अल्लाह यदुल्लाह फौक अयदीहिम। इससे बड़ी नात नहीं हो सकती हुजूर की, मुबालिगे का तो महल ही नहीं है। मुबालिगा तो वहाँ किया जाए जहाँ हद मालूम हो। इस आयत को देखें, खुदा की कसम शान मुहम्मद अरबी, शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या शान है। अल्लाह फरमाता है कि इन्नल्लज़ीन युबायउनक, जो लोग आपकी बैअत करते हैं, इन्नमा युबायउन अल्लाह, दर हकीकत वो अल्लाह की बैअत करते हैं। जो लोग आपकी बयात कर रहे हैं दर हकीकत वो अल्लाह की बयात कर रहे हैं। देखिए दोनों जुमलों को समझिएगा, एक ये जुमला भी हो सकता है कि जो लोग आपकी बयात कर रहे हैं गोया कि वो अल्लाह की बयात कर रहे हैं, और एक ये है कि जो लोग आपकी बयात कर रहे हैं दर हकीकत वो अल्लाह की बयात कर रहे हैं। गोया के यहाँ नहीं है, तशबी नहीं है, तमसील नहीं है, ये कुरान है। एक हर्फ की ज़रूरत थी, सिर्फ एक हर्फ की। अरबी में काफ तशबीह के लिए आता है, काफ तशबीह, लैसा कमिथ्लिही शय, ये काफ जो है। परवरदिगार फरमा सकता था कि इन्नल्लज़ीन युबायउनक कअन्नमा युबायउन अल्लाह, जो लोग आपकी बयात कर रहे हैं गोया के वो अल्लाह की बयात कर रहे हैं। गोया के नहीं, एक काफ़े तशबीह की भी गुंजाइश नहीं है। जो लोग आपकी बयात कर रहे हैं दर हकीकत बस वो अल्लाह की बयात कर रहे हैं। अगर इसमें कुछ शक भी बाकी रह जाए तो अगला फिक्रा है यदुल्लाह फौक अयदीहिम, ये अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। आपका हाथ नहीं, अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है।
یہ پیغمبر کی شان ہے, پیغمبر کتنا قریب ہے حق سے کہ ایک کاف تشبیہ کا فصل بھی درمیان میں نہیں. کیا بلا فصل ذات ہے, جب مصطفیٰ کی ذات کی بلندی سمجھ میں آ جائے تو اس کی بلندی میں شبہ نہ کرنا جسے قرآن ہی میں نفس مصطفیٰ کہا گیا ہو. وہ بھی قرآن ہے, وہ بھی قرآن ہے. پیغمبر کس منزل پر ہے کہ ایک کاف تشبیہ بھی درمیان میں نہیں ہے, اور علی ابن ابی طالب کس منزل پر ہیں؟ مباہلے کی آیت کو قرآن سے نکال نہ سکے مسلمان آج تک, ہم کیسے تحریف کے قائل ہو جائیں؟ قرآن میں کوئی تحریف نہیں. آیت مباہلہ پڑھ لیجئے, وانفسنا وانفسکم, تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ, ہم اپنے نفسوں کو لے کر, اپنے نفسوں کو. علی نفس رسول, اور رسول اب بلا فصل کلمہ سمجھ میں آیا. اللہ کا کلمہ پڑھو تو پھر رسول کا کلمہ پڑھو, رسول کا کلمہ پڑھو تو پھر ولی کا کلمہ پڑھو. مگر جہاں یہ کہیں وہاں پڑھو, جہاں یہ روک دے وہاں چپ ہو جاؤ. آزاد نہیں ہو, بندے ہو بندے, غلام ہو غلام, بندگی کرنا ہے آقائی نہیں. اور یہ ادب سیکھنا ہو تو ابو طالب سے سیکھو, کہاں لب کشائی کرنی ہے, کہاں خاموش رہنا ہے. عاشقان علی کہتے ہیں ہمارا جہاں جی چاہے گا ہم کلمہ پڑھیں گے. آپ اپنے نفس کے بندے ہیں یا اللہ کے بندے ہیں؟ اللہ کے سامنے ضد کا کوئی محل نہیں, ضد کا کوئی محل. کلمہ درست ہے, بلا فاصل ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر کہنے کے مواقع ہیں, ہر سخن موقع ہو, ہر نقطہ مقام دارد. جہاں اجازت ہے کہیں گے, جہاں اعلان کرنے کی ضرورت ہے اعلان کریں گے, جہاں چپ رہنے کی ضرورت ہے چپ رہیں گے. اپنے اپنی مرضی سے نماز تصنیف نہ کریں, نماز پیغمبر نے سکھائی ہے, کسی مجتہد اور فقیہ میں جرات نہیں ہے جو اس میں ایک کلمہ اضافہ کر دے یا کم کر دے. بندگی کی شان پیدا کریں, بندگی کی شان. نفس بے مہار نہ ہو, نفس ویسا ہو جیسا سلمان کا تھا, نفس ویسا ہو جیسا ابو ذر کا تھا,
मौला की मर्जी नहीं थी तो तलवार नहीं खींची। सर ने उड़ाए खड़े रहे। हद अदब हिफ्ज मरातिब यही जौहर नफ्स मोमिन है। कमाल विला कमाल वफा में पोशीदा है। कमाल वफा इताअत और बंदगी चाहता है। वफा बंदगी तलब करती है, सरकशी नहीं, बंदगी। आका ने जितना सिखा दिया उतना बोलो, उससे ज्यादा नहीं। आका कहें चुप रहो गर्दन कटा दो तो फिर बोल के गर्दन ना कटाओ। शाने बंदगी, शाने बंदगी, शाने बंदगी। अली अबू तुराब हैं, अली खाकसार हैं, अली मुतवाज़े हैं। अली ने कभी कोई जंग नहीं लड़ी अमीरुल मोमिनीन कहलवाने के लिए। अली अमीरुल मोमिनीन हैं, अली ने कोई जंग नहीं लड़ी अमीरुल मोमिनीन कहलवाने के लिए। और ये शान रसूल की शान है। रसूल रसूलुल्लाह हैं मगर रसूलुल्लाह ने एक जंग नहीं लड़ी रसूलुल्लाह कहलवाने के लिए। पूरी जिंदगी में 84 जंगें थीं, सब जंगें ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए थीं। एक मौका आ गया था जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह पर जंग हो जाती तो सुलह हुदैबिया से बदल दिया। जब ये बेनफसी हो तो फतह मुबीन हासिल होती है। मुस्तफा ने कभी जंग नहीं की खुद को रसूल मनवाने के लिए। मुस्तफा की जिंदगी वक्फ रही ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए। अली की जिंदगी वक्फ रही मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए। अब जो अली को नहीं मानता वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का वफादार नहीं हो सकता। मगर हर जगह मकाम अदब शर्त है, हिफ्ज मरातिब शर्त है। ये हिफ्ज मरातिब है जो नफ्स में मलकात पैदा होती है। नफ्स को बेमिहार न छोड़े, नफ्स के मलकात हैं। हमारे नफ्स का सबसे बड़ा जौहर क्या होना चाहिए? नफ्स इंसानी का सबसे बड़ा जौहर क्या होना चाहिए? हम नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, हज करें, एतिकाफ़ में बैठें, किस लिए? क्या पैदा करना चाहते हैं हम? अब्दियत, बंदगी। सब कुछ है सिर्फ एक जौहर खल्क करने के लिए और वह है बंदगी। बंदगी इतनी अजीम शय है कि कलमे में रिसालत की गवाही बाद में है बंदगी की पहले। क्या पढ़ते हैं तशहुद? اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله। अब्दियत की गवाही पहले, रिसालत की बाद में। यही अब्दियत का जौहर है जो इतना अजीज है कि पैगंबर को मेराज तक ले गया। मेराज की आयत में क्या है? सुभान अल्लज़ी असरा बिनबीही। सुभान अल्लज़ी असरा बिरसूलिही। सुभान अल्लज़ी असरा बिखातमिही। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही।
क्या कहना उस परवरदिगार का जो अपने बंदे को रातों रात ले गया। अब्दियत के हवाले से मेराज है, तो जो कुछ पैदा करना है नफ्स में वो अब्दियत अब्दियत अब्दियत, बंदगी बंदगी बंदगी, इताअत 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 इताअत। ये है कि जहां कहें मेरा नाम लो वहां ले, जहां कहें खामोश रहो खामोश रहो। खामोशी के साथ जो दिल में घुटन और तड़प होती है नाम लेने की, उसका अजर बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा अजर है। सुनो जुमला याद रखना, मदीनतुल औलिया में अर्ज कर रहा हूं, मदीनतुल औलिया तसव्वुफ का शहर है, रूहानियत का शहर है, मारिफत का शहर है, अहले विला का शहर है, आजादारों का शहर है, पाक नफ्स मुसलमानों का शहर है। यहां कह रहा हूं इंसानों मुसलमानों, तुम पैदा हुए हो अली की बंदगी के लिए, खुदा की बंदगी तुम्हारे बस में नहीं है। खुदा की बंदगी और हम और आप, हम और आप, हम और आप अल्लाह की बंदगी करेंगे। अल्लाह की बंदगी मुस्तफा बंदे करते हैं, अल्लाह की बंदगी मुर्तजा बंदे करते हैं, अल्लाह की बंदगी मुजतबा बंदे करते हैं, अल्लाह की बंदगी सादिको काजिम व बाकर करते हैं, अल्लाह की बंदगी मूसा और ईसा जैसे बंदे करते हैं। हम तो अली की बंदगी कर सकते हैं, बल्कि वो भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। कमाल मुस्लिम ये है कि मुतीए मौलाए कायनात हो जाए। इताअत इताअत बंदगी इताअत, ये इताअत है जो नफ्स में मलाकात पैदा करती है। ये जो रिवायत मैंने सुनाई थी, ज़्यादा रिवायतें कहाँ सुना पाता हूँ, एक एक रिवायत में इतनी बहस निकल आती है, एक एक कुरान के एक एक लफ्ज़ में इतनी बहसें निकल आती हैं। ये जो रिवायत वज़ू वाली सुनाई थी, ये किसी और से नहीं है, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद हज़रत मोहम्मद हनफिया को तलब किया और कहा बेटा वज़ू के लिए पानी मुहैया करो। वो जब पानी लेके आए तो जैसे ही पानी पे नज़र पड़ी, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल मा तहूरन वलम यजअलहु नजसा। उसके बाद दोनों हाथों को धोना शुरू किया और कहते जाते थे अल्लाहुम्म जअलनी मिनल तव्वाबीन व मिनल मुततहिरीन। उसके बाद आपने कुल्ली की और उस वक्त कहा कि अल्लाहुम्म लक्किन्नी हुज्जती यौम अल्काक व अطلق लिसानी बिज़िक्रिक व शुक्रिक। उसके बाद कान में नाक में पानी डाला, इस्तिशमाम फरमाया और उसके इस्तिनशाक फरमाया और उस वक्त फरमाया कि अल्लाहुम्म ला तुहर्रिम अलैया रीहल जन्ना वजअलनी मिम्मन यशम्मु रीहहा व रौहहा व तीबहा। फिर चेहरे पे पानी डाला तो दुआ फरमाई اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض الوجوه। दाहिने हाथ पर पानी डाला तो फरमाया اللهم اعطني كتابي بيميني ولا تعطني بيساري ولا تجعلها مغلولة الى عنقي واعوذ بك من مقطعات النيران। इसी तरह आपने बाएं हाथ पे पानी डाला, दुआ पढ़ी, मसा किया तो दुआ पढ़ी, पांव का मसा किया तो दुआ पढ़ी और उसके बाद खड़े हुए मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूं इसलिए कि मेरी ताकत जवाब न दे जाए, और तर्जमा भी मैंने नहीं किया इन तमाम दुआओं का। और
उसके बाद आपने फरमाया कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका तमाम अलवुदू व तमाम अस्सलात व तमाम रिज़वानक वल जन्नत। उसके बाद बेटे के तरफ रुख करके कहा कि बेटा जो इस शान से वजू करे, जब वो वजू करता है तो एक एक कतरे से अल्लाह एक एक फरिश्ता खल्क करता है, जो क़याम क़यामत तक उस वजू करने वाले के लिए दुआ व इस्तिग़फ़ार व तस्बीह व तहलील इलाही में मशगूल रहते हैं। गौर फरमाया आपने, ये रिवायत हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से। और इसीलिए यहीं पर एक जुमला अर्ज कर दूँ कि वुज़ू का बातिन है अली से तमस्सुक, वुज़ू का बातिन, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वुज़ू नहीं करते वो क्या जाने इश्क़ अली क्या है। वुज़ू का बातिन है इश्क़ अली, सलात नमाज का बातिन है इश्क़ मुस्तफ़ा। क्यों क्यों? इसलिए कि वुजू तहारत का नाम है। ये अली है जिसने काबे को बुतों से ताहिर किया था। बातिन वुजू इश्क अली है, बातिन सलात इश्क मुस्तफ़ा। और हमारा मकसद और मंजिल, हमारी आखिरी मंजिल क्या है? बे मुस्तफ़ा बे रसा खीशरा के दीन हम उस्त। मर्द मुस्लिम, बल्कि मर्द मुस्लिम नहीं, तमाम आलम बशरियत मुस्तफ़ा तक पहुँच जाओ, अपने आप को मुस्तफ़ा तक पहुँचा दो। बे मुस्तफ़ा बे रसन खीशरा के दीन हम उस्त, अगर बे ऊन रसीदी तमाम बूला हबीस्त। मुस्तफ़ा तक नहीं पहुँचे तो बूला हबी में मुब्तला रहोगे। मुस्तफ़ा तक पहुँचो, और मुस्तफ़ा तक पहुँचने का रास्ता मुर्तज़ा है और कोई नहीं। बस गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ, आज गुफ्तगू ख़त्म हो गई। हम जो कुछ करते हैं उससे नफ्स में मलाकात पैदा होते हैं, यही मलाकात नफ्स की क़ुव्वत बनती है, यही मलाकात मलाइक बनते हैं, यही मलाकात मलाइक बनाते हैं। खुदा इन्हीं मलाकात को मलाइक की शक्ल अता फरमाता है, और फिर ये मलाइक हमारी फ़ौज बन जाते हैं। फिर एक नफ्स आरिफ, एक नफ्स वली, एक नफ्स बाखलाक, एक नफ्स सतूदा की क़ुव्वत का कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता, इसलिए कि उसके साथ जो लश्कर होता है वो किसी को नज़र नहीं आता। लश्कर होता है जिसे वो देखता है, वो लश्कर उसका वफादार होता है, मगर दूसरे उस लश्कर को देखते नहीं। मलाइक का लश्कर होता है लेकिन क्या बाइख्तियार बंदे होते हैं वो, जो लश्कर रखने के बावजूद उस लश्कर से काम न लें। यह है बंदगी की शान, यह है बुलंदी की शान। कौन सा लश्कर था जो हुसैन के साथ नहीं था? अंबिया का लश्कर, मलाइका का लश्कर, फरिश्तों का लश्कर, जिनों का लश्कर, कौन था जो हुसैन के साथ नहीं था? मगर कहा नहीं, इस वक्त हमें ये जंग तन्हा सर करनी है। अल्लाह बुलंदी नफ्स हुसैन, अल्लाह अकबर बुलंदी नफ्स हुसैन। गालिब का एक शेर लाहौर में भी मैंने पढ़ा था, फिर याद आ रहा है, बहुत है पाए गर्दे रहे हुसैन बुलंद, बकदर फहम है गर की मियाँ कहें उसको, बहुत है पाए गर्दे रहे हुसैन बुलंद। हुसैन और हुसैन तो हुसैन, हुसैन के घर के जो अफराद थे, ज़ैनब के मलाकात का अंदाज़ा है?
ज़ैनब अगर अपने मलकात जलाल व जमाल से काम लेती तो करबला का रंग कुछ और होता, करबला का नक्शा कुछ और होता, मगर ज़ैनब के बाजुओं में रसंद बंध गई। ज़ैनब असीर हो गई और आज 26 मुहर्रम है। दकीक तारीख मालूम नहीं है कि किस तारीख को अहले हरम कूफे से रवाना किए गए और किस तारीख को शाम पहुँचे, मगर खुद कूफे का क़याम बीबी ज़ैनब का क़यामत खेज क़याम है, क़यामत खेज। बीबी जब कूफे में दाखिल हुई हैं तो एक मंज़र है, मलाकात की बात हो रही थी ना, लश्कर छुपा हुआ लश्कर, एहतमाम दुश्मन ने यह किया था कि हज़ारों का लश्कर कूफे के गलियों में कूचों में बिखेर दिया था ताकि कोई चाहने वाला अहले बैत का साथ देने के लिए खड़ा ना हो जाए। हजारों तमाशबीन बुलाए गए थे, बाजों का शोर था, ऐसा शोर कि एक को दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देती थी। मगर जब बीबी बाजारे कूफा में पहुंची है तो तमाम जिम्मेदार मुअर्रिखों ने बीबी का खुतबा नकल किया है और खुतबे से पहले एक मुअज्जज़ा नकल किया है, मुअज्जज़ा करामत बीबी की, करामत। बीबी ने जब खुतबा देना चाहा तो बस एक मरतबा इशारा किया, इशारा किया, कुछ कहा नहीं, इशारे का असर यह था कि लोग भी खामोश हो गए, बाजों की आवाजें रुक गईं, घोड़ों के हिनहिनाने की आवाजें भी रुक गईं, जैसे पूरी कायनात को सकता हो गया हो एक इशारा ज़ैनब का। और उसके बाद बीबी ने खुतबा इरशाद फरमाया है, और जब बीबी ने खुतबा इरशाद फरमाया बेपनाह खुतबा, और फिर अहले कूफा ने गिरिया शुरू किया है तो बस एक जुमला सुन सकेंगे, जनाब सैयद सज्जाद ने कहा तुम रोते हो फिर मेरे बाबा को कत्ल किसने किया है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस अब मुझमें ज़्यादा बयान करने की सकत नहीं है, मगर एक मुसीबत की तरफ इशारा करूं। मैं कोशिश करता हूं कि वाक़े करबला से मुतालिक वो रिवायतें पढूं जिसमें किसी को किसी किस्म का इख्तिलाफ़ ना हो, जो तारीख़ की ठोस हकीकतें, और फिर देखें कि इन वाक़यात में कितनी अलमनाकी है। अगर इंसान का ज़मीर ज़िंदा है और नफ्स पाकिसा है तो आँखें कभी खुश्क नहीं रह सकती, हमेशा अश्कबार रहेंगी, हमेशा अश्कबार। जनाब सैयद सज्जाद के लिए ये क्या कम मुसीबत है कि जवान बेटा, अपनी माओ बहनों फूफियों के काम आने वाला बेटा, मगर बजाय इसके कि वो बेटा फूफी के काम आए, फूफी बेटे के काम आ रही। एक दो मौके हैं, खुद करबला में जब खैमों में आग लगी तो जलते हुए खैमों से बचाने वाली ज़ैनब थी। इस मकाम पर वक्त बहुत गुज़र चुका है, मगर एक फ़िक्रा अर्ज़ करूँ, एक फ़िक्रा। रोज़े आशूर जब खैमों में आग लगी है
उससे ज़रा पहले। जैसे ही इमाम शहीद हुए, दुश्मनों ने बेतहाशा खैमे का रुख किया। एक खैमे के दर पर इमाम की एक बच्ची खड़ी हुई थी। बच्ची ने देखा कि एक घोड़े पर सवार एक शकी आ रहा है जिसके हाथ में नैजा है, और उसने बच्ची ने देखा कि उस शकी ने नैजे से बीबियों के सरों से चादरें छीनना शुरू। बीबियों के सरों से चादरें छीनना शुरू और उसके बाद वो शकी उस बच्ची की तरफ बढ़ा तो बच्ची सहम गई, डर गई और कुछ दूर दौड़ती हुई मैदान की तरफ निकल गई। तो उसने देखा कि वो शकी बच्ची के पीछे पीछे आया और दोनों शानों के दरमियान पुश्त पर नैजे से एक वार किया। बच्ची गश खा के जमीन पर गिर गई। इमाम की बेटी गश खा के जमीन पर गिर गई। कुछ देर के बाद जो बेटी को इफाका हुआ तो देखा सिरहाने फूफी बैठी हुई है, फूफी जैनब। बच्ची चूंकि गशी से आंख खुल रही थी तो गौर से उसने फूफी को पूरी तरह देखा नहीं। हुसैन की बच्ची है, हुसैन की बच्ची, आले रसूल है, रसूलुल्लाह की नवासी है, रसूलुल्लाह की पोती है। उसने पहले अपने सर को देखा, देखा सर पे रूमाल नहीं है। ज़रा हिजाब का एहसास देखिए। और फौरन उसी वक्त कहा, फूफी अम्मा, अरे कोई चीज़ है जिससे मैं अपना सर छुपा लूँ? कोई पारचा है, कोई टुकड़ा है जिससे मैं अपना सर छुपा लूँ? फूफी की आवाज आई, मेरी बेटी, अरे जैसी तू है वैसे ही मैं हूं, मेरा सर भी बरहना है बेटी। बेटी तड़प गई, उठी। अब फूफी और भतीजी दोनों वहां आए जहां सैयद सज्जाद थे। यहां अश्किया ने सैयद सज्जाद बीमार करबला के नीचे जो एक चटाई बिछी हुई थी, जो एक चादर बिछी हुई थी, जो एक बिस्तर था मामूली, वो बिस्तर भी छीन लिया था। सैयद सज्जाद खाक पर, जलती हुई खाक पर पड़े हुए थे। एक मर्तबा फूफी ने, भतीजी ने सैयद सज्जाद को देखकर रोना शुरू किया। पलट के सैयद सज्जाद ने फूफी को और बहन को देखकर रोना शुरू किया। इधर ये आलमगीरिए का था और उधर खैमे में आग के शोले भड़के। अब बीमार सैयद सज्जाद को कौन बचाता, कौन उठाता? वही फूफी। फूफी ने बीमार को उठाया, फूफी ने बचाया, वो करबला है। और कूफे में जब सैयद सज्जाद दरबार में आए हैं और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने एक एक के बारे में तारुफ हासिल करना चाहा, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, जब किसी ने तारुफ कराया ये अली इब्नुल हुसैन है, तो कहा क्या अली इब्नुल हुसैन कत्ल नहीं कर दिए गए? जनाब सैयद सज्जाद ने कहा वो मेरा भाई था, वो भी अली इब्नुल हुसैन था, उसे कत्ल कर दिया गया। इमाम ने जब जवाब दिया है, उसके सवालात का जवाब दिया, तो उसने बिगड़ के कहा कि क्या अब भी तुम्हारे अंदर ये जुरत है कि मेरे सवालों का जवाब दो? और कहा कि कोई है जो इन्हें कत्ल कर दे? जैसे ही सैयद सज्जाद के कत्ल का हुक्म नाफिज हुआ, फिर फूफी खड़ी हो गई। ओ उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, अब ये नामुमकिन है, मेरे रहते हुए सैयद सज्जाद कत्ल नहीं हो सकता। फूफी ने अपना गला सैयद सज्जाद के गले पर रख दिया। अब पूछे कोई सैयद सज्जाद के दिल की कैफियत? अरे फूफी को बचाने का हक सैयद सज्जाद का है, मगर सैयद सज्जाद को फूफी बचा रही है। क्या आलम-ए-गुर्बत है, क्या आलम-ए-मुसीबत।
इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिदन बिकदाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगार हमें उलूम कुरान और मारिफ़ अहले बैत से आशना फरमा। परवरदिगार मिल्लत